नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दिगंटा। बिहार के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को सीट कम देते तो आज बिहार के नतीजे कुछ और होते। और कुछ क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो लोगों पर स्ट्राइक रेट हमारा रहा वो टेस्ट मैच वाला रहा, जो 2020 में जो फिनिश करना चाहिए था वो फिनिशिंग नहीं हो पाई, इसको तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बिहार का मूड बहुत साफ दिखा, बिहार बिल्कुल इस सरकार से निजात पाना चाहता था और नहीं हो पाया। खैर, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जो मुद्दे सामने आए, बिहार का एजेंडा इस बार सामने आ गया, मैं इसके लिए बिहार के नौजवानों को सलाम करता हूँ, बिहार के मजदूरों, किसानों, सबको सलाम करता हूं। और इसी संघर्ष को हमें जारी रखना है। हमें लगता है कि बिहार ने ये तय कर दिया कि आने वाली जो भी सरकार है उसको किस एजेंडे पर काम करना है, इसी पर ये सरकार कठघरे में रहेगी, जनता हिसाब लेती रहेगी और सरकार को जवाब देना। कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, क्या लगता है अब इस पर बाद में और समीक्षा की जाएगी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कमजोर रहा, शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो सकता है कि कांग्रेस की कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें राजद को, शिवालय को शायद फर्क पड़ जाता। खैर, आपको जो हो गया सो हो गया। राजस्व में कहीं चूक अभी तो मैं देखा कि हम लोग, मैं अपने से कहाँ चूकी, मैं कह सकता हूँ हम लोगों को 15 सीट जीतना चाहिए था, वो जो 3 सीट हम लोग जीत नहीं पाए, बहुत नैरो मार्जिन से हार गए भोरे में। मुकेश सहनी मांझी जी आ रहे हैं क्या सर, बातचीत तो चल ही रहा है आप लोग का? मुकेश जी से ही पूछ लीजिए, मुकेश जी मांझी जी से पूछ लीजिए। लेकिन मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किए और मैं अभी देख रहा था कि मुकेश जी की जहाँ जहाँ जीत हुई उनकी पार्टी की, पता चला कि सारे भाजपा के नेता, तो भाजपा के नेता, ये भाजपा वालों की राजनीति हमको समझ में नहीं आती है। आपने टिकट भी दिया मुकेश सहनी को और आपने नेता ठोक भी दिया, और ये जो बहुत खराब लग रहा है देख कर, दरभंगा से एक से एक बीजेपी के नेता मुकेश जी बनाया, ये आउटसोर्सिंग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।